अम्बाला सिटी के विधायक विनोद शर्मा ने आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के हरियाणा भवन में इस्तीफा दे दिया। विनोद शर्मा ने हरियाणा स्पीकर और अपने समधी कुलदीप शर्मा को विधानसभा की सदस्यता का इस्तीफा सौंपा। इस खबर की जानकारी देते हुए खुद स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बताया कि उन्होंने विनोद शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। उधर गोपाल गोयल कांडा की नई पार्टी बनाने के बारे में पूछे गए सवाल पर स्पीकर ने कहा कि नई पार्टी बनाने पर उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई हो सकती है। आज सुबह 10:30 बजे श्री विनोद शर्मा MLA अम्बाला मुझे हरियाणा भवन में मिले हैं और उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से अपना त्याग पत्र मुझे सौंपा है और उन्होंने प्रार्थना की है, क्योंकि मैं इसको पर्सनली दे रहा हूं, इसको इमीडिएट इफेक्ट से मंजूर किया जाए। अकॉर्डिंगली मैंने इसको इमीडिएट इफेक्ट से मंजूर किया है और इस सीट को खाली डिक्लेयर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी सूचना भेजने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। गोपाल कांडा के बारे में देखना पड़ेगा कि कोई सदस्य जो किसी अपने पार्टी के से इलेक्टेड है या इंडिपेंडेंट, वो स्वतः अगर अपनी सीट छोड़कर दूसरी पार्टी को फॉर्म करता है या बनाता है, ज्वाइन करता है, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है कि नहीं होता है। इस बारे में जब मुझे कोई सूचना मिलेगी या सुओ मोटो, वो हम कार्रवाई देखेंगे। ऑल लीगल इसके जो पहलू हैं उसको एग्जामिन करेंगे। सरकार के अंदर कोई असमंजसता की स्थिति नहीं है, कार्यकाल पूरा होगा। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।